2019 में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है और 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती है। इस रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर 5 से 29 वर्ष की आयु के लोग ही सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। क्यों? आपको तो पता है, क्योंकि यही युवा लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं। अब भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल करीब 1,50,000 लोगों की मौत होती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में यह आंकड़ा लगभग 2,99,000 बताया गया है, यानी करीब करीब 3 लाख लोग भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मारे जाते हैं। हमारे विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना और खराब रोड के कारण यह दुर्घटनाएं होती है। तो इसे ध्यान में रखकर भारत में रोड पर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए भारत सरकार ने कुछ यातायात के नियम यानी ड्राइविंग रूल्स में सुधार किया है, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर रोड एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़ ना आई हो। हर रोज़ हम सब यह देखते हैं और कभी कभी हम खुद भी इसके शिकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में जो पुराने ड्राइविंग रूल्स और ट्रैफिक रूल्स थे वो और अब जो नए रूल्स आए हैं वो या आने वाले हैं उसकी बात करेंगे कि पहले कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना भरना पड़ता था और अब नए नियम के अनुसार आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, कैसे कैसे नियम हैं और कब कब टूटते हैं, हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को पहले कितने रुपए दिए जाते थे और अब आगे से कितने रुपए दिए जाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर ठीक से रोड ना बनाए तो उसे कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और वाहनों को बनाने वाली कंपनी अगर वाहनों का काला बाजार करती है तो उसे कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो सबसे पहला सवाल कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ठीक से रोड ना बनाए तो सरकार ने इस बार कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है, यानी सिग्नल्स या सिग्नल्स के निशान, ये सब अगर कॉन्ट्रैक्टर ठीक से नहीं बनाएगा तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर अपने मानदंडों का पालन ना करे तो अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव या कालाबाजारी मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। उसके बाद हिट एंड रन मामले में आपको कितने रुपए तक की सहाय मिलती है? जब आप रोड की साइड में खड़े हो या सड़क किनारे सो रहे हो, ऐसे में कोई कार या बाइक या कोई भी वाहन आपसे टकराता है और वो तो भाग जाता है, लेकिन आपका क्या होगा? अगर आपको गंभीर चोट आती है तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 12,500 रुपए की सहाय दी जाती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब आपको 50,000 रुपए की सहाय मिलेगी। और अगर ऐसी दुर्घटना के कारण आपकी मौत हो गई तो पुराने नियमों के अनुसार आपके परिवार को 25,000 रुपए की सहाय दी जाती थी, लेकिन अब आपके परिवार को 2 लाख रुपए की सहाय दी जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत में इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले कितने रुपए का जुर्माना लिया जाता था और अब नए नियमों के अनुसार कितने रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और हाँ, क्या आपका कभी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है या ट्रैफिक पुलिस के साथ कभी आपका पंगा हुआ है? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यह नियम थोड़े से ज्यादा है,
तो आप बोर मत हो जाना, एक बार इसे समझ लीजिए ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। तो सबसे पहला नियम, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर। अगर ड्राइविंग के दौरान आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरा नियम है, दो पहिए के वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी करना। अगर बाइक मोटरसाइकिल ड्राइविंग के दौरान आप 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरा नियम है, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर। मुझे लगता है कि हर भारतीय को इस नियम का तो पालन करना ही चाहिए। अगर रोड पर ड्राइविंग के दौरान आप किसी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार कुछ भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और एक जरूरी बात यह कि सिर्फ जुर्माने के डर से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना है, उसके अंदर बैठे मरीज की जिंदगी के लिए आपको उसे रास्ता देना है, भले ही वो आपके परिवार का ना हो। और साथ ही इसके ठीक होने की प्रार्थना भी करनी चाहिए आपको। उसके बाद का नियम है, हेलमेट नहीं पहनने पर। देखो, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो घर पर ताला लगाते हैं, और हमारे घर पर हर रोज चोरी नहीं होती, कभी कभार ही होती है ना? तो कुछ वैसे ही हर रोज हमारा एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कभार ही होता है, लेकिन हम ताला नहीं लगाते, मतलब हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो इस कारण अगर आप बिना हेलमेट के बाइक या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 1000 रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पांचवा नियम है, ओवर स्पीड। अगर ड्राइविंग के दौरान आपके वाहन की स्पीड ज्यादा है तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 400 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला नियम है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर। अगर बिना लाइसेंस के आप ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला नियम है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर। अगर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है फिर भी आप ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला नियम है, शराब पीकर वाहन चलाने पर। अगर आप शराब पीकर या किसी और तरह का नशा कर वाहन चलाते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला नियम है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर। अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद का नियम, गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर। वाहन में कितना वजन भरना है उसके अलग अलग वाहनों पर अलग अलग लिमिट है। तो अगर आपके वाहन में जितना वजन तय हुआ है उससे ज्यादा वजन का सामान भरा है तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, और साथ ही लिमिट से जितना वजन ज्यादा होगा उसमें प्रति 1 टन का 1000 रुपये अलग से, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही लिमिट से ज्यादा वजन पर प्रति टन 2000 रुपये अलग से। अगला नियम है, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर। अगर बिना इंश्योरेंस के आप ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद, खतरनाक ड्राइविंग करने पर। इसमें आप कुछ इस तरह से वाहन चलाते हैं कि जिसमें खुद आपको भी खतरा हो और साथ में
रोड पर आपके आसपास जो है उसे भी खतरा हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो नागिन की तरह बाइक चलाते हैं, तो ऐसे हालत में अगर आप पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद बिना परमिट पाए जाने पर जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट वाहन लेकर जाते हैं तब आपको परमिट यानी परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप बिना परमिट यानी परमिशन के बिना वाहन चलाते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर, अगर आप नाबालिग हैं और ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार कुछ भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 25000 रुपये का जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, और साथ ही आपको 3 साल की सजा होगी। उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और उस गाड़ी का मालिक भी दोषी माना जाएगा, और साथ ही उस नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगला नियम है ट्रैफिक पुलिस के आदेशों का पालन नहीं करना। अगर आप सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन नए नियम के अनुसार अब आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद का नियम यात्रियों की ओवरलोडिंग पर, अगर आप 10 सीटर गाड़ी में 10 से ज़्यादा लोग बिठाएंगे और ड्राइविंग के दौरान आप पकड़े गए तो आपको पुराने नियमों के अनुसार कुछ भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार आपको 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री का जुर्माना भरना पड़ेगा। और आखिरी नियम है एग्रीगेटर, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन। अगर आप लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पुराने नियमों के अनुसार कुछ भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब आपको 25000 से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब एक सवाल मेरी तरफ से कि आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में इतना जुर्माना लेना ठीक है या नहीं, आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा एक गुड सैमरिटन बने, मतलब अधिनियम के अनुसार गुड सैमरिटन वो इंसान है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। यह मदद सद्भावना पूर्वक, स्वैच्छिक और किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। तो क्या आपने कभी एक्सीडेंट में पीड़ित लोगों की मदद की है, या सिर्फ अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर वहां से चले जाते हो? आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और आखिर में मेरा आपसे एक अनुरोध है कि शायद आपको हेलमेट या सीट बेल्ट लगाने में आलस आती हो, तो ऐसे में एक काम कीजिएगा, आप जब भी आप घर से बाहर निकले तब आप अपने परिवार को याद करके निकले, शायद इसके बाद आपको हेलमेट या सीट बेल्ट लगाने में आलस नहीं आएगी। तो ये था मोटर वाहन अधिनियम यानी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो पूरे भारत में लागू होने वाला है। कुछ जगह पर हो चुका है तो कुछ जगह पर होने वाला है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट morth.nic.in पर जा सकते हैं। धन्यवाद।